दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको डार्क मैटर से जुड़े कुछ ऐसे रोमांचक सवाल पूछेंगे जिनका जवाब शायद ही आप लोगों के पास होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिस यूनिवर्स को हम जानने का इतना दावा करते हैं वास्तव में उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए आप डार्क मैटर को देख लीजिए। अब जरा अपने आप से पूछिए कि आप डार्क मैटर के बारे में कितना जानते हैं। अपने आप से पूछने के बाद आप लोगों का क्या जवाब मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादातर लोगों को डार्क मैटर के नाम तो पता होगा, परंतु आखिर वो क्या चीज़ है, वो वास्तव में अस्तित्व में है या नहीं, या डार्क वेब आदि के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो क्या आप इस डार्क मैटर जैसी अज्ञात चीज के बारे में अब भी नहीं जानना चाहोगे? अवश्य ही जानना पसंद करोगे। इसलिए तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। इसमें आप लोगों को डार्क मैटर से जुड़े कई अज्ञात फैक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा, जिसके बाद डार्क मैटर से जुड़ी शायद ही ऐसी कोई सवाल होगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डार्क मैटर के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि डार्क मैटर आखिर क्या है। अगर आप लोगों को लगता है कि डार्क मैटर क्या है ये आपको पता है, तो दोस्तों बता दें कि ये आपकी ये सोच गलत है। अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं पता किया कि आखिर डार्क मैटर होता क्या है। ज़्यादातर साइंटिस्टों का ये लगता है कि ब्रह्मांड में गुम हो गए सभी मास और खगोलीय चीज़ों को ही डार्क मैटर कहते हैं, परंतु ये बात ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। डार्क मैटर से जुड़ी जो सबसे लोकप्रिय थियोरी है वो WIM यानी WIMP वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये प्रोटोन से 1000 गुना ज़्यादा वजनी या हैवी वेट होता है। दोस्तों इस पार्टिकल से ही डार्क मैटर का अस्तित्व आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर अभी भी कई सारी रिसर्च चल रही है। दोस्तों हमेशा ध्यान देंगे कि डार्क मैटर जो है ये हमें खुले आंखों से नहीं दिखाई देता है और कई बार तो बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं पड़ता है। आज के समय में डार्क मैटर के बारे में कुछ भी पता लगा पाना कोई मजाक की बात नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि डार्क मैटर वेब क्या है। दोस्तों डार्क मैटर वेब का ख्याल वैज्ञानिकों को सबसे पहले 1930 में ही हो गया था। दूर मौजूद गैलेक्सियों का आपस में मिलकर एक दूसरे के चारों तरफ काफ़ी तेजी से घूमना काफ़ी चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि उन गैलेक्सियों का जो विजिबल मास था वो उतना नहीं था कि गैलेक्सियाँ इतनी तेजी से एक दूसरे के चारों तरफ घूम पाए। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक थियोरी रखी कि एक अदृश्य मैटर इन गैलेक्सियों को एक दूसरे के चारों तरफ एक नेट के रूप में बांध कर रखा है। दोस्तों इसी मैटर को ही बाद में डार्क मैटर का नाम दिया गया। इसी के बाद से डार्क मैटर अपने असल अस्तित्व में आया। वैज्ञानिकों को लगने लगा कि ये चीज़ पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। कुछ वैज्ञानिक यह तक भी बोलते हैं कि नॉर्मल विजिबल मैटर के मुकाबले डार्क मैटर 6 गुना ज़्यादा इस ब्रह्मांड में मौजूद है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि क्या डार्क मैटर के अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल मौजूद है। डार्क मैटर से जुड़ा सबसे विवादों से घिरा सवाल यह है कि क्या इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल मौजूद हो सकता है। अगर हम साधारण विजिबल मैटर की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, परंतु क्या डार्क मैटर भी ऐसे कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है या सिर्फ एक ही पार्टिकल इसके अंदर है। वैज्ञानिकों को लगता है कि ब्रह्मांड का ज़्यादातर डार्क मैटर सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना हुआ होगा, जिसे कि वो लोग डार्क प्रोटॉन का नाम देते हैं। परंतु यह कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये बात पूरी तरीके से सच नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों में डार्क मैटर कई सारे पार्टिकल्स को लेकर भी बन सकता है। डार्क मैटर का खुद का अपना डार्क एटम होगा, जिसके अंदर शायद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जैसे ही कई अलग अलग पार्टिकल्स हो सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये है, क्या डार्क फोर्स सच में है? अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा डार्क फोर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब हम लोगों ने डार्क मैटर और इसके पार्टिकल्स के बारे में इतना जान ही लिया है, तो क्या ना एक नज़र इसके पार्टिकल्स के जरिए पड़ रहे फोर्स के बारे में भी जान ले। वैज्ञानिकों को लगता है कि जिस तरह विजिबल मैटर किसी भी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर अपना फोर्स यानी बल का प्रयोग कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से डार्क मैटर भी वस्तु और व्यक्ति पर अपना फोर्स का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों डार्क फोटॉन्स के जरिए डार्क मैटर अपना फोर्स दूसरे किसी मैटर या वस्तु के ऊपर डाल सकता है। खैर इसके ऊपर अभी भी कई सारी शोध और रिसर्च बाकी है, परंतु मित्रों आप लोगों को क्या लगता है, क्या डार्क फोर्स वाकई में ब्रह्मांड में है
और क्या इसके बारे में वैज्ञानिक कुछ भी पता लगा पाएंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्या साधारण दिखाई देने वाले पार्टिकल्स डार्क मैटर में तब्दील हो सकते हैं? अब ये सवाल ज़्यादातर लोगों के मन में आता ही होगा। दोस्तों, इसी सवाल के जवाब को भी आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक विजिबल एटम के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन पार्टिकल्स अपना एक खास किरदार अदा करता है। ठीक 14.5 मिनट के बाद ये न्यूट्रॉन का पार्टिकल्स एटम के अंदर से बाहर निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पार्टिकल्स में तब्दील हो जाता है, क्योंकि शायद इसी पार्टिकल के जरिए ही डार्क मैटर का जन्म होता होगा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके इस बात को कहा है कि न्यूट्रॉन पार्टिकल से ही डार्क मैटर का जन्म होता है। जब न्यूट्रॉन पार्टिकल एटम से बाहर निकल रहा होता है, तब कुछ क्षण के लिए एटम के बाहर निष्क्रिय होकर स्थिर रहता है। दोस्तों, यह वो वक्त है जहां डार्क मैटर का बनना शुरू होता है। हालांकि न्यूट्रॉन जब डार्क मैटर में बदल रहा होता है, तब ये तरह का सिग्नल छोड़ता है। इसी सिग्नल के जरिए डार्क मैटर का बनना निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रखे बेल आइकन को दबा दीजिए।